हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 मैथ्स जो आपकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराने जाए, डाटा हैंडलिंग थर्ड चैप्टर, उसी का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन। ओके स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन इसलिए लिया है, इस क्वेश्चन से आप मीन भी, मोड भी एंड मीडियन भी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ समझ लोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मीन। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, मीन के लिए फॉर्मूला होता है टोटल ऑब्जर्वेशन, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है ये सारे के सारे, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन इसका ऐड करो, 2 + 3 + 3 + 1 + 7 + 8 + 8 + 3 + 2, लिखे ना सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, ये टोटल 9 है, 9 लिखे। अब इसको ऐड करो, 2 3 5 3 8 1 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 and 8 32, 32 3 35 37, 37 बाय 9। ओके, अब इसको हम करेंगे डिवाइड, 9 4 36, कितना आ गया, 1 आ गया, पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो 9 1 9। ओके, फिर से 1 आ गया, 4.11, बस इतना ही छोड़ दो, 4.1 छोड़ दो या 4.11, इतना ही छोड़ दो। तो ये हो गया आपका मीन। अब बात करते हैं हम मोड की। तो मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा आया हुआ है, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें काउंट करोगे। 2 कितने टाइम आया, 2 टाइम, 3 कितने टाइम, 1 2 3, 1 कितने टाइम, 1 टाइम ही आया, 7 1 टाइम आया, 8 भी 2 टाइम आया, तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा है, 3। तो मोड आपका क्या हो जाएगा, 3, मोड आपका होगा 3, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मीडियन। अब मीडियन के लिए क्या करेंगे, मीडियन के लिए हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, मीडियन को सबसे पहले अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो आपने लिख रखा है इसको हम अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मीडियन फाइंड आउट करनी है, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे स्मॉल वाला कौन सा है, इसमें 1 है, उसके बाद में कौन सा, 2 2 2 टाइम है, 1 2 2 हो गया, उसके बाद 3 है, तो 3 3 टाइम है, 3 टाइम हो गया, उसके बाद 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 भी नहीं है, 7 है 1 टाइम, 8 2 टाइम है, 8 8, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे के सारे अरेंज हो गए। अब क्या करेंगे, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन अगर आपकी ओड नंबर है, ये जैसे इसमें काउंट करें, तो काउंट में काउंट करने के बाद कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, मीडियन ओड ऑब्जर्वेशन के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं, ओड ऑब्जर्वेशन के लिए हम सबको काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, मीडियन के लिए हम देख रहे हैं ओड ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इसमें हमने ओड कन्वर्ट कर लिया। अब इसके लिए हम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, n+1th टर्म। ओके, तो n+1 कितने हमारे पास, 9, 9+1 बाय 2th टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 10 10 को 2 से डिवाइड दोगे, 5th टर्म हो जाएंगे, यहाँ 5th टर्म। अब इसमें हमें क्या करना है, 5th टर्म देखो इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5th टर्म कौन सा है, 3। तो आपका जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, 3। ओके, ये आपका आंसर। और अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इवन में, उसके लिए क्या करेंगे हम, मिडिल 2 टर्म, इसमें 2 टर्म मिडिल आएंगे, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे, वही आपका हो जाएगा मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन आएगा तब हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो अभी क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 3.1 इसको आप रिवाइज करना है, और एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
ओके स्टूडेंट्स, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।